पंडित जी, पाप मोचनी एकादशी कब है और लोग इसे कैसे करेंगे, क्या फल मिलेगा? पाप मोचनी एकादशी ये चैत माह के कृष्ण पक्ष में होता है, जो इस साल 5 अप्रैल 2024 दिन शुक्रवार को होने वाला है। नाम ही है पाप मोचनी एकादशी। वैसे तो साल में एकादशी 24 होते हैं और जब जब मलय मास पड़ता है तो एकादशी 26 हो जाता है और प्रत्येक 3 साल के बाद मलय मास पड़ता है। तो इससे पहले मलय मास 2023 में पड़ा, अब 3 साल के बाद 26 के मई माह में लगभग मलय मास पड़ेगा। तो जहाँ तक है पाप मोचनी एकादशी की चर्चा, यह एकादशी जैसा कि हमने कहा कि 5 अप्रैल 2024 को है, परंतु एकादशी तिथि जो है वह 4 अप्रैल 2024 को 11:45 से ही शुरू हो जाता है और 5 अप्रैल 2024 को 9:35 सुबह तक रहेगा। तो शास्त्र कहते हैं कि जिसका उदय उसका अस्त। 5 अप्रैल को एकादशी 9:35 तक ही है, पत्रा अनुसार यह भैरी करेगा टाइम, क्योंकि अक्षांश देशांतर के अंतर होने के कारण मिथिला पंचांग, बनारसी पंचांग, काशी पंचांग, विश्वविद्यालय पंचांग सब में ये टाइम भैरी करता है, थोड़ी समय ऊपर नीचे होती है। इसलिए यह एकादशी 5 अप्रैल 2024 को ही मनाया जाएगा और इसका जो पारणा होगा वह 6 अप्रैल 2024 को सुबह 7:15 से पहले हो जानी चाहिए। अब जहाँ तक है कि एकादशी की बात, शास्त्र कहते हैं कि एकादशी के दिन हमें सबसे पहले चावल वर्जित करना चाहिए, चावल का कोई भी वस्तु नहीं खानी चाहिए, जैसे खीर, मिठाई, रसगुल्ला इत्यादि, जो चावल इसमें चौरट मिला हुआ हो तो चावल से बनी हुई वस्तु न खाएं। हाँ, अपने से अगर छेना फाड़ के अगर हम रसगुल्ला का सेवन करते हैं, बनाते हैं, तो खा सकते हैं उस दिन, बाजार का से लाया हुआ न खाएं, उसमें चौरट मिला दिया जाता है। पाप मोचनी एकादशी क्यों पड़ा? पाप मोचनी एकादशी जो पड़ा इसमें है कि एक ऋषि मुनि थे जिनका तपस्या एक जो अप्सरा थी, देवज्ञ अप्सरा, वह उसके तपस्या को भंग कर दिया। तो उस ऋषि ने कहा कि तुमने हमारा तपस्या को भंग किया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जाओ तुम पिचासनी योगी में जन्म लो। तो उस अप्सरा ने कहा कि हे प्रभु, मैं तो आपके साथ बरसों बिताई, लोग कहता है कि संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जात हैं, मैंने अपने ऋषि के साथ, अपने स्वामी के साथ बरसों, लगभग 57 गुजार दिया, तो मुझे यह श्राप क्यों? आपके सानिध्य में रह करके मुझे तो वो फल मिलना चाहिए, कुछ उसके लिए मुझे कुछ पुरस्कृति मिलना चाहिए, पुरस्कार मिलना चाहिए, मगर आपसे तो मुझे पिचासनी होने का श्राप मिल रहा है। तो ऋषि को इसका ध्यान आया कि ये तो सही कह रही है, तो उसने कहा उस देवज्ञ कन्या को कि तुम पाप मोचनी एकादशी करो और मैं भी करता हूँ, क्योंकि मुझे भी इस पाप से मुक्त होना है, क्योंकि मैं अपने तपस्या को छोड़कर, शिव भक्ति को छोड़कर, मैं ये भोग विलास में लिप्त हो गया। तो ऋषि और वो जो अप्सरा थी वो दोनों मिल करके पाप मोचनी एकादशी किया, उसे भी पिचासनी विद्या पिचासनी से मुक्त हुई और जो ऋषि जो थे वह भी अपने पाप से मुक्त हुए। तो पाप मोचनी एकादशी का सबसे प्रथम काम है कि यह आपके द्वारा हुई पाप को उससे मुक्ति दिलाता है, उसके प्रभाव को कम करता है। एकादशी को करने से हमें पापों से मुक्ति मिलती है। हम लोग मनुष्य हैं तो दिन से लेकर के रात तक छोटी मोटी पाप होती रहती है, झूठ बोलना, अपने आप को बचाना, किसी को के अमंगल सोच लेना, तो पाप तो मनुष्य हैं तो होगा ही। उस पाप से मुक्ति पाने के लिए, उस पाप के प्रभाव को कम करने के लिए इस पाप मोचनी एकादशी के दिन अगर हम लोग व्रत करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, विष्णु जी के 1000 नाम होते हैं, उनका नाम का अगर हम पाठ करते हैं तो इस दोष से मुझे छुटकारा मिलता है। हमें ही नहीं,
हमारे जो पूर्वज जो स्वर्ग सिधार गए हैं उसे भी किसी भी तरह का पाप के कारण जो स्वर्ग लोग है जो सुख सुविधाएं हैं वो अगर वहाँ नहीं मिल रही होगी तो इस दोष को मिटाने के लिए यह जब पाप मोचने का आशी हम लोग करते हैं तो उनके भी पापों में कमी आ करके उनका रास्ता खुल जाता है। जहाँ तक है कि इस एकादशी को करने के लिए क्या सब हमें करना चाहिए, इस एकादशी को सबसे पहले करने के लिए हमें अपने नित्य कर्म को सुधारना चाहिए। सबसे पहले सुबह में उठें, सूर्य मुहूर्त से का जो समय है सूर्योदय का समय 5 बजे 5:30 बजे उस टाइम में उठ जाएं, नहा धो करके नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के आप जो है सबसे पहले भगवान का पूजा अर्चना कर लें, इसके बाद अपने नित्य कर्म में लग जाएं। इसके साथ साथ यह जो उपवास है आपको आपके द्वारा किए गए कार्य में वह उसको आगे बढ़ाएगा। जैसे कि कोई विद्याध्ययन का काम कर रहे हैं, कोई नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, कोई अपना घर गृहस्थी का काम चला रहे हैं, सब में यह एकादशी आपको उत्थान का मार्ग खोलेगा। जो पूजा पाठ होता है उससे हमारे कार्य में आए हुए व्यवधान दूर होते हैं, चाहे मैं पाप मोचनी एकादशी करूं या कोई भी 24 एकादशी में किसी भी एकादशी को हम लोग अगर करते हैं उससे मुझे फल ही मिलता है, उससे हमारे अच्छे कर्मों का उत्थान होता है। परिचय बता दें। मेरा नाम है पंडित मनोज पल झा, महाराजी हाता, पूर्णिया।